वर्तमान में एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम आए हैं। अपने त्रिवेदी क्लासेस कोचिंग से बहुत से छात्रों ने एक प्रश्न पूछा था कि सर, इस लेखपाल की भर्ती में पेट की मार्किंग कितनी लगभग तय की जाएगी, परसेंटाइल कितना होगा, कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों के जवाब लेकर आपके सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती अंततः निकाल दी। आप भी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, सरकार ने पेट का एग्जाम तो करा लिया, लेखपाल भर्ती कब आएगी, लेखपाल भर्ती कब आएगी, तो आ गई। अब उस लेखपाल भर्ती में सरकार ने 8085 पद अपने नोटिफिकेशन में दिए। सरकार ने जो अपना नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग 7 जनवरी से फार्म फिल होंगे, 7 से आपके फार्म फिल होने की जो डेट है, अंतिम तारीख है, वो 28 जनवरी है। कुछ बच्चों से फार्म भरने पे त्रुटि भी हो जाती है। हमारी आदरणीय सरकार ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि बच्चों से त्रुटियां हो सकती हैं, सो उन्होंने 4 फरवरी तक संशोधित करने की तिथि भी दे दी है। यानी कि 4 फरवरी तक तो कुछ नहीं हो सकता है, इसके बाद हमारी सरकार आपका शॉर्ट लिस्ट निकालेगी, क्योंकि यह कहा गया है कि जितने भी लोग पेट का एग्जाम दिए थे वो सभी के सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेखपाल का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सरकार फॉर्म भराने के बाद में शॉर्ट लिस्ट करे। अब मसला है कि फिर अगर ऐसा ही करना तो शॉर्ट लिस्ट क्यों पहले ना कह देते कि आप इतने परसेंटाइल तक या इतने मार्क्स तक या 5 लाख 7 लाख लड़के फॉर्म भर दे, क्या समस्या थी? लेकिन सरकार ने यह कहा कि पहले आप फॉर्म सबमिट करो, करेक्शन होगा, फिर सरकार तय करेगी कि कितना लाख लड़का इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करता है। अब होगा क्या कि सरकार भर्ती जो 8085 जो पद है उसके 25 गुना कि 30 गुना कितना फॉर्म ऊपर से लेती है। मार्किंग में जो मार्किंग में आया है ऊपर से, जो आपका पेट की मार्किंग का है, तो उस 8085 का अगर 30 से गुना किया गया तो 8 × 24 नियर अबाउट 2.5 लाख के करीब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाए। या फिर सरकार 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख लोगों को ऊपर से छांट लेगी और उनका फिर से फॉर्म भराया जाएगा और उस फार्म के कारण भर्ती होगी। अब मसला है कि आखिर ये एग्जाम कब होगा, एग्जाम की संभावित डेटें क्या हो सकती हैं? तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट लिस्ट के 15-20 दिन तक तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा जो भी प्रक्रिया हो। फिर हमारे यूपी इलेक्शन फरवरी और मार्च में नोटिफिकेशन और इसका एग्जाम, इसका इलेक्शन,
और इधर हमारा फरवरी तक ये शॉर्ट आउट होगा, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन भी इसी बीच में है। और अगला हमारा ओमिक्रॉन जो कोविड का नया प्रारूप है ये भी जी भर के चल रहा है, इलेक्शन भी जो होगा ओमिक्रॉन भी होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ये लगभग स्पष्ट है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में एग्जाम इलेक्शन के पहले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आपके लिए भी ठीक है क्योंकि आपको भी प्रिपरेशन के लिए कम से कम 3-4 माह तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 4 माह। तो जनवरी चल रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और इलेक्शन के बाद आप तैयार हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद ही मेरी दृष्टि में ये एग्जाम भी होना चाहिए। एकदम स्पष्ट है कि ये भर्ती अगर सरकार को इलेक्शन के पहले कंप्लीट कराना था तो पेट एग्जाम हुए काफी समय हो गया है, पहले नोटिफिकेशन आ सकता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं अभी नोटिफिकेशन आया है, फरवरी तक तो संभावना ही नहीं है, फिर शॉर्ट लिस्ट जारी होगी, फिर दोबारा 25-30 गुना का एग्जाम होगा। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आज शॉर्ट लिस्ट हो जाए और तुरंत आपको एग्जाम के लिए बुला लिया जाए लेखपाल के। और आपकी दृष्टि से भी ठीक है क्योंकि आपको भी तो प्रिपरेशन का टाइम चाहिए, नहीं संभव है कि आप 2 माह में निकाल दें। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जबरदस्त उद्देश्य के साथ लग जाइए, आपको भगवान जैसे पेट में सफलता मिली है वैसे ही आपको सफलता लेखपाल में भी मिलेगी, आप सब एक दिन लेखपाल बनेंगे। लेकिन उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जबरदस्त इच्छा शक्ति के साथ हमें नए सिरे से फिर से लगना होगा, जैसे आपने त्रिवेदी क्लासेस में आपने पीईटी प्राथमिक एबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन की थी, फिर से एक बार आइए और हम आपको लेखपाल बनाते हैं। धन्यवाद, हमने प्रयास किया है कम शब्दों में आपको बताने के लिए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।